दोस्तों आज मेरे पास Xiaomi कंपनी का Redmi 7 मॉडल आया है। इसमें दोस्तों ये डेड कंडीशन में है, ऑन नहीं हो रहा है, मोबाइल चालू नहीं हो रहा है। और आप इसका डिस्प्ले में देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं ये ड्रॉप डाउन सेट हो सकता है। मैं भी ऐसी अंदाज़ा लगा के ये मोबाइल को खोला हूँ और आपको दिखाने की कोशिश किया हूँ। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं मैं एम्पियर मीटर से टेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं 0.2 मिली एम्पियर ले रहा है वोल्टेज, जो कि चार्जिंग लगाने पे 0.2 मिली एम्पियर कंजप्शन कर रहा है। इसका मतलब ये बूटिंग नहीं ले पा रहा है और कहीं पे हो सकता है शॉर्टिंग हो या फिर ड्राई सोल्ड हो, ऐसा ही कुछ इसमें प्रॉब्लम आया है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों वोल्टेज, जो चार्जिंग का वोल्टेज है, फ्लक्चुएट हो रहा है और 0.2 मिली एम्पियर पे स्टैंड बाय है। यहाँ पे दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूँ, कस्टमर का कहने के हिसाब से कस्टमर ने मेरे को बैटरी लगाने के लिए दिया था और बैटरी देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेश है और ओरिजिनल बैटरी भी लगा है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कस्टमर मेरे को जैसे बोला था यहाँ पे एक बैटरी लगा दो उसके बाद मोबाइल चालू हो जाएगा, उस टाइप का मेरे को बोला था। उसी समय दोस्तों मैं कस्टमर के सामने ही मोबाइल को मैं खोला और बैटरी को चेक किया तो यहाँ पे देख सकते हैं बैटरी 3.94 वोल्टेज बता रहा था और उसके बाद भी मोबाइल चालू नहीं हो रहा था और बूटिंग भी नहीं ले रहा था। आगे मैं दिखाऊंगा डीसी मशीन में कैसे बूटिंग को टेस्ट किया और कैसे कस्टमर को मैं कन्विंस करके ये Xiaomi कंपनी का Redmi 7 मॉडल में जो डेड प्रॉब्लम आया था इसको रिपेयर करके कस्टमर को सही सलामत दे दिया। यहाँ पे दोस्तों Xiaomi कंपनी का Redmi 7 में जो डेड प्रॉब्लम आया है आज मेरे पास आया है, कल हो सकता है आपके पास भी आया होगा या फिर आ सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको मैं स्टेप बाय स्टेप चेक करके और सही सलामत डिटेल में समझा के यहाँ पे डेड प्रॉब्लम को जो रिपेयर करके दिखाने की कोशिश करूँगा। जैसे कि दोस्तों पहले हम मोबाइल तो मैं खोल दिया था उसके बाद ही वीडियो बनाया हूँ, लेकिन दोस्तों जब भी आपके पास कोई भी डेड प्रॉब्लम आए पहले उसमें चार्जिंग लगा के देखें, एम्पियर मीटर से टेस्ट करें, उसके बाद अगर कुछ भी इसमें रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है और या फिर कुछ भी प्रॉब्लम इसमें पता चल रहा है तो उसके बाद मोबाइल को खोलें, उसके बाद बैटरी में कंटिन्यूटी लें, उसके बाद बैटरी कनेक्टर पे कंटिन्यूटी लें, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप मैं जैसे फॉलो कर रहा हूँ उस टाइप का फॉलो करके आप भी रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों पावर सप्लाई में एक बार टेस्ट करके देखेंगे कितना बूटिंग ले रहा है और कहाँ से प्रॉब्लम है, ये पावर सप्लाई में हमको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं कनेक्टर को पहले चेक कर लेता हूँ कहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव है, और आप भी चेक करके लगाएं। कभी भी दोस्तों कोई भी मोबाइल पे अगर सप्लाई डाल रहे हैं तो नेगेटिव पॉजिटिव को सही सलामत देखें, उसके बाद ही बैटरी कनेक्टर इसमें लगाने की कोशिश करें, नहीं तो दोस्तों मोबाइल और भी ख़राब हो सकता है। जैसे कि दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पे Xiaomi कंपनी का Redmi 7 में डेड प्रॉब्लम आया है और इसको मैं स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करके दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे बैटरी कनेक्टर को जो डीसी पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दिया हूँ और यहाँ पे बूटिंग लेके आपको मैं मल्टीमीटर या फिर डीसी पावर सप्लाई का रीडिंग दिखाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं हमारा जो मोबाइल है Redmi 7, ये डेड प्रॉब्लम 100% है और ये मोबाइल चालू नहीं हो रहा है। यहाँ पे दोस्तों डीसी पावर सप्लाई का बैटरी कनेक्टर पे लगा दिया हूँ, सप्लाई इनपुट कर दिया हूँ और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कितना बूटिंग ले रहा है। 44 में जाके ब्लिंक हो गया, उसके बाद जब ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ 0.037 में कांटा रुक गया है, उसका एम्पियर आगे नहीं बढ़ रहा है, इसका रीडिंग आगे नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हैंडसेट में EMMC से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आया है। तो दोस्तों ये वीडियो में आपको मैं बताऊँगा Redmi 7 में अगर डेड प्रॉब्लम आए और इसमें DC पावर सप्लाई में अगर 10 से 40 के अंदर या 10 से 50 के अंदर कहीं पे भी रुक रहा है, ऐसे ही रीडिंग आपके कोई भी मोबाइल पे आए तो आपको पता चलना चाहिए कि EMMC से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम इसमें आ सकता है। तो दोस्तों आज मैं दिखा रहा हूँ Redmi 7 जो कि Xiaomi कंपनी से बना हुआ है, हो सकता है आपके पास और कोई भी ब्रांड आ सकता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि ये Redmi 7 में खाली ये प्रॉब्लम आएगा, ये कोई भी मोबाइल कोई भी हैंडसेट में ये प्रॉब्लम आ सकता है। जो मोबाइल में EMMC IC लगता है उसी मोबाइल में ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो दोस्तों आपको तो पता ही होगा बिना EMMC IC के बगैर मोबाइल कोई बनता नहीं, इसका जो मेन IC है, जो प्रोग्रामिंग IC है, ये EMMC उसमें लगना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे EMMC से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम इसमें आया है और इसको फाइंड आउट करके आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आया है।
सब्सक्राइब करें टेक्सरेंस चैनल और साथ में बेल बटन को दबाएं लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स और गैजेट्स वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, टेक सेंस में आप सभी को फिर से स्वागत है। दोस्तों, वीडियो चालू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो जरूर से लाइक करें। हमारे चैनल में अगर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को दबा के नोटिफिकेशन को ऑल में सिलेक्ट करें ताकि मोबाइल से रिलेटेड और गैजेट से रिलेटेड नए वीडियो अपलोड होते ही आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो दोस्तों, Redmi 7 जो कि Xiaomi कंपनी का बना हुआ था, हमारे पास आया है ये डेट प्रॉब्लम में। तो कैसे इसको फाइंड करेंगे, कैसे इसको ठीक करेंगे, ये वीडियो में एंड तक बने रहें। ये वीडियो में हम लोग आज ठीक करेंगे Xiaomi कंपनी का Redmi 7 में जो डेट प्रॉब्लम आया है, इसको कैसे ठीक करना है पूरी डिटेल में बताऊँगा, समझाऊँगा और आपके सामने ही प्रैक्टिकल करके दिखाने की कोशिश करूँगा। अगर आपके पास कोई भी हैंडसेट आता है डेट प्रॉब्लम में, सबसे पहले दोस्तों इसका USB में कनेक्ट करें और देखें इसका इन्फॉर्मेशन क्या आ रहा है, कौन सा पोर्ट बन रहा है और क्या इसमें दिक्कत आया है। यहाँ से थोड़ा अंदाजा लग सकता है ये मोबाइल में क्या प्रॉब्लम आया है। जैसे कि दोस्तों देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, यहाँ पे क्वालकॉम का HS USB QD Loader 9008 ये पोर्ट बन रहा है और यहाँ पे मैं UMTQCFire को ओपन करके इसका इन्फॉर्मेशन देखने के बाद ही पता चल पाएगा कि MMC IC में कहाँ पे प्रॉब्लम है, इसका सोल्डरिंग में प्रॉब्लम है या फिर ड्राई सोल्ड हुआ है या फिर इसका जो प्रोग्रामिंग है इसमें जो सॉफ्टवेयर फ्लैश है यहाँ से प्रॉब्लम आया है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल से इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहा है हमारा जो UMTQCFire टूल। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे डेबुक डाटा और यहाँ पे क्या क्या लिखा है आप देख के पता कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिले तो आपको पता होना चाहिए कि ये EMMC IC में ड्राई सोल्ड हुआ है जिस कारण से हमारा मोबाइल डेड प्रॉब्लम आया है। तो यहाँ पे दोस्तों ये ड्राई सोल्ड होने के बाद ये EMMC IC को डिटेक्ट कर नहीं पा रहा है, ये मोबाइल के PCB में जो ड्राई सोल्ड हुआ है इस कारण से दोस्तों ये QCFire में भी डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है और मोबाइल भी डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कंफर्म हो गए हम कि यहाँ पे ड्राई सोल्ड होने के बाद ऐसी प्रॉब्लम आया है। तो दोस्तों ड्राई सोल्ड किस टाइप का आता है और कैसे आता है आपको मैं बताना चाहूँगा। ड्रॉप डाउन हैंडसेट आता है तो इसका मतलब ये ड्राई सोल्ड हो सकता है, EMMC में ड्राई सोल्ड हो सकता है, Power IC में ड्राई सोल्ड हो सकता है, कोई भी चीज़ कोई भी कंपोनेंट ड्राई सोल्ड होकर ऐसी कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। तो दोस्तों आपको कस्टमर से थोड़ा पूछ लेना चाहिए कि इसमें पहले क्या हुआ था और किस टाइप से ये मोबाइल में प्रॉब्लम आया है, थोड़ा सा वहाँ से भी अंदाज़ा लग सकता है और हमारे जो इक्विपमेंट रखे हैं वहाँ से भी हम लोग कन्फर्म पता कर सकते हैं कि ये किस टाइप का प्रॉब्लम आया होगा। तो दोस्तों आज मेरे पास आया है Redmi 7 जो कि Xiaomi कंपनी से बना हुआ है। हो सकता है दोस्तों आपके पास और कोई भी ब्रांड आ सकता है और कोई भी मॉडल आ सकता है, ये ऐसा नहीं है कि Redmi 7 में खाली ये प्रॉब्लम आएगा या फिर दुनिया का किसी भी मॉडल में ड्रॉप डाउन होता है तो कोई भी प्रॉब्लम आ सकता है। जैसे कि दोस्तों देख रहे हैं ये आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, यहाँ पे पूरा डिटेल में वीडियो बनाया हूँ और डिटेल में समझाने की भी कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे पहले हम लोग DC मशीन में, उससे पहले दोस्तों मीटर में टेस्ट किए, उसके बाद DC मशीन में टेस्ट किए, उसके बाद कंप्यूटर में भी टेस्ट किए, सब मिला के यहाँ से पता चल रहा है कि यहाँ पे EMMC से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम इसमें आया है। जैसे कि आपको मैं हेडिंग में दिखाया ये बूटिंग पूरा नहीं ले पा रहा था, इसका मतलब ये 30-40 में बूटिंग लेकर रुक रहा था। तो इसका मतलब ये EMMC खराब होने से या फिर EMMC ड्राई सोल्ड हो जाने से ऐसे प्रॉब्लम आता है जो कि हमारा QCFire में भी डिटेक्ट नहीं किया और ये मोबाइल का जो हार्डवेयर PCB में लगा है ये भी डिटेक्ट नहीं कर पा रहे जिस कारण से ये Redmi 7 में डेड प्रॉब्लम आया है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम को तो हम लोग फाइंड आउट कर लिए हैं लेकिन अभी जो हार्डवेयर काम है, हार्डवेयर वर्क है, इसको थोड़ा करके आपके सामने दिखाने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहें दोस्तों। ये वीडियो में आज Xiaomi कंपनी का Redmi 7 में जो डेड प्रॉब्लम आया है ये कैसे फाइंड करना है, कैसे ठीक करना है, ये वीडियो में आपको पूरे डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और प्रैक्टिकल करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं EMMC को पूरा खोलना नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा हल्का पेस्ट लगा के थोड़ा सा इसको मूव कर देना है, थोड़ा सा हल्का हिला देना है। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे देख रहे हैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था,
इसलिए दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो पाए। और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं मैं EMMC को हीट लगा के यहाँ पे थोड़ा सा पेस्ट लगा के इसको थोड़ा सा मूवमेंट कर दिया हूँ और हिला दिया हूँ, क्योंकि दोस्तों ये ड्राई शॉट प्रॉब्लम आया था इसमें, जिस कारण से डेड हो गया था ये Redmi 7 में। और उसी कारण से दोस्तों इसको थोड़ा सा ये EMMC IC को हमको निकालना नहीं पड़ा। और देखते हैं हमारा जो प्रॉब्लम सही हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों मोबाइल को मैं कम्प्लीटली फिटिंग कर दिया हूँ। और आपके पास कोई भी मोबाइल आए ऐसी प्रॉब्लम, आप भी रिपेयर करने की कोशिश करें, अगर नहीं होगा तो फिर EMMC को प्रोग्राम करके फ्लैश करके देख सकते हैं, उसके बाद भी नहीं हो रहा है तो इसको EMMC को रिप्लेस करना पड़ सकता है। दोस्तों यहाँ पर ड्राई सोल्ड का प्रॉब्लम आया था, और ये ड्राई सोल्ड प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि खाली EMMC IC से होगा, कोई भी मोबाइल में इक्विपमेंट्स लगा है, पार्ट्स लगा है, तो यहाँ पे ड्राई सोल्ड हो सकता है, जो कि ड्रॉपडाउन सेट में, ड्रॉपडाउन केस में। तो यहाँ पे दोस्तों मोबाइल में फिटिंग करने के बाद देख सकते हैं मोबाइल चालू हो गया है। पहले ये डेड प्रॉब्लम था, ये डेड प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, जो कि हमारे पास आया था Xiaomi का Redmi 7 मोबाइल में डेड प्रॉब्लम आया था, ये 100% सॉल्व हो गया है। यहाँ पे दोस्तों आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, और ये चैनल में अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा के नोटिफिकेशन को ऑल में सिलेक्ट करें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपके पास पहुँचाने की कोशिश जल्द से जल्द कर सकूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर से पसंद आया होगा। मिलते हैं दोस्तों और किसी वीडियो में और किसी टॉपिक में, तब तक।